कैमरा स्टैंड को प्रॉपर आप रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। देखिए अभी मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैम्बर बाइक है और ये बाइक का देखिए मैन स्टैंड प्रॉपर यहाँ पे सही है, लेकिन देखिए बीच में जो सपोर्ट लगा है टूट चुका है। इसके ऊपर जैसे बाइक को हम मैन स्टैंड पे खड़ी करते हैं अपने घर पे या फिर पार्किंग में या फिर गैरेज पर जाते हैं, बाइक में कोई काम रहता है उस टाइम जैसे बाइक को मैन स्टैंड पे खड़ी करते क्या होता है, मैन स्टैंड फैल जाता है, थोड़ा उधर फैल गया थोड़ा इधर फैल गया। इसके लिए मुझे मैन स्टैंड ही चेंज करना पड़ता है। उस टाइम आपको करना क्या, मैन स्टैंड चेंज नहीं करके मैन स्टैंड को प्रॉपर आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैन स्टैंड प्रॉपर सही है, कहीं से टूटा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका बीच वाले सपोर्ट जो है इसका टूट गया और रस्ट लग के जंग लग करके खा गया है यहाँ पे, इसका प्रॉब्लम से टूट चुका है। इसके प्रॉब्लम से जैसे बाइक को मैन स्टैंड पर खड़ी करते मैन स्टैंड फैल जाता है, उस टाइम इसको रिपेयर कर देना। अगर हम बाइक में नया मैन स्टैंड जेन्युइन डालेंगे तो 500 का समथिंग सिर्फ और सिर्फ मैन स्टैंड का प्राइस है, उसके बाद पिन का अलग प्राइस लेगा, स्प्रिंग का अलग प्राइस लेगा, समथिंग 700 से 800 रुपये आपको खर्च हो जाएगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, 700-800 रुपया बचा करके सिर्फ और सिर्फ 40-50 रुपये में इसको रिपेयर कर लेना है, फिर नया जैसा प्रॉपर चलेगा। जिस टाइम आप रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं उस टाइम मैन स्टैंड फैला रहता है, तो उस टाइम इसको थोड़ा दोनों तरफ से आपको दबाव डाल के एक जगह कर लेना है, इसको ज़्यादा बिल्कुल दबाव नहीं डालना, नहीं तो ऊपर करने के बाद यहाँ पे ये व्हील से प्रॉपर यहाँ पे टच करने लगा। तो दोनों साइड आपको चेकअप कर लेना है, यहाँ पर देखिए समथिंग आधा इंच यहाँ पे गैप होना चाहिए, ऊपर भी आधा इंच नीचे भी, यानी कि आधा इंच लेफ्ट साइड गैप होना चाहिए आधा इंच राइट साइड गैप होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का एक तो कोई लोहा का टुकड़ा लेकर के और यहाँ पे बेल्ट करवाना है, जिस सामने टूटा है उसी सामने यहाँ पे बेल्ट करवाना है, ताकि फिर से नया जैसे एक दूसरे सपोर्ट हो जाएगा। बहुत बैक में हम देखें कि यहाँ पे बेल्ट कर देता है, यहाँ पे बेल्ट करने से होगा क्या, जिस टाइम चेन एडजस्टर जब पीछे रहता है उस टाइम हम लोग यहाँ पे बेल्ट करवा देते हैं। जब बाइक में नया चेन सेट डालते हैं फिर चेन छोटा करके जैसे व्हील को आगे करते थोड़ा, तो उस टाइम व्हील जो है चक्का जो है वो फिर ये सपोर्ट से टच करने लगता है। इस टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप बेल्ट करवाते हैं तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे लेफ्ट राइट दोनों साइड गैप प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद सपोर्ट आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए प्रॉपर हम यहाँ पर बेल्ट करवा रहे हैं, जब भी आप बाइक में बेल्ट करवाते हैं अगर आपके पास BS4 या BS3 बाइक है तो उस टाइम फ्यूल ऑफ करके इग्निशन ऑफ करके प्लग एडेप्टर को बाहर निकाल देना, अगर BS6 बाइक है तो इग्निशन ऑफ करके प्लग एडेप्टर को बाहर निकाल देना है। उसके बाद देखिए हम इस तरह से बेल्ट करवा रहे हैं, काम था फाइनली कंप्लीट हो गया। और अधिकतर जो मैन स्टैंड टूटता है वो इस सपोर्ट के प्रॉब्लम से टूटता है, यही सपोर्ट जो टूट जाता है तो उस टाइम हम लोगों को मैन स्टैंड चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस तरह से बेल्ट करवा देंगे फिर से मैन स्टैंड का लाइफ बढ़ जाएगा और आपका काम जो 40-50 रुपया में हो जाएगा, 800 रुपया बचा लीजिए, 50 रुपया खर्च करके 800 रुपया आप बचा सकते हैं मैन स्टैंड चेंज नहीं करके। अगर लोकल मैन स्टैंड फिट करेगा तो वो भी आपको 250-300 रुपया में आ जाएगा। अब मान लीजिए 500 का स्टैंड हो गया, 50-60 रुपया का पिन हो गया, फिर इसका स्प्रिंग हो गया, 600 रुपया तो इसी में चला गया और 150 रुपया आपको मैकेनिक भी लेगा, क्योंकि इस पिन जब जाम रहता है तो उस टाइम इसको कटिंग करके बाहर निकालना पड़ता है, फिर लेथ पे ले जाना पड़ेगा, इसको कटिंग करवा कर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए, साइलेंसर ओपन करना पड़ेगा। इन सब हुज्जत से आप बचना चाहते तो इस तरह से आप वेल्डिंग करवा करके प्रॉपर मैन स्टैंड को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले, एक सपोर्ट आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं यहाँ से यहाँ पे, लेकिन जब भी आप सपोर्ट डालते हैं जो पुराना टूटा हुआ इसी के सामने होना चाहिए, यहाँ से आप यहाँ पे भी अंदर से भी सपोर्ट डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि बाहर से डालना है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट इस टूटा से बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही सपोर्ट होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। आपको जितना इन्फॉर्मेशन हम बतलाए हो पहले से मालूम था नहीं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।